और अनूपपुर जिले के सिंघौरा में सरकारी भवन पर कब्जा कर प्राइवेट स्कूल संचालित करवाया जा रहा है और मोटी रकम भी कमाई जा रही है। स्कूल में ना तो शौचालय है और ना ही खेल के मैदान है। बच्चे शौच के लिए आसपास के खेतों में जाते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी से जब पूछा गया कि सरकारी भवन में प्राइवेट स्कूल संचालित किए जा रहे हैं, जिसका अधिकारी ने रटा रटाया जवाब दिया है, जांच कर कार्रवाई करेंगे, ये बात अधिकारी ने की है। दरअसल यह पूरा मामला अनूपपुर जिले के खोडरी ग्राम पंचायत का है, जहां पर एक प्राइवेट स्कूल में बच्चे झाड़ू लेकर साफ सफाई करते नजर आए हैं। इस स्कूल में शौचालय का नामो निशान नहीं है, बच्चों को शौच के लिए बाहर जाना पड़ता है। ऐसे में सवाल है कि आखिर जिले के प्रशासनिक अधिकारी बिना जांच पड़ताल किए निजी स्कूल को संचालित करने की मान्यता क्यों दे रहे हैं। सवाल जिला शिक्षा अधिकारी से भी है कि नियमों को ताक में रखकर निजी स्कूलों को मान्यता क्यों दे रहे हैं। ये सरकारी भवन है, ये तो सरकारी भवन है। संचालक कौन है इनका? संचालक तो यहाँ नहीं है। कौन है संचालक? कौन है? नहीं है ना, सब खेल पे चले। नाम क्या है उनका? प्रीतम संत जी। प्रीतम संत जी 13-14 से। आप क्या चपरासी नहीं है क्या जी? चपरासी नहीं। सारा काम बच्चों से लेते हैं? नहीं। अभी तो कैमरे में सब कुछ कैद हुआ है? कैमरे में बहुत कुछ कैद हुआ। गोबर लेके ले जाते हुए, फिर झाड़ू लेते लगाते हुए। बच्चे फीस नहीं देते क्या आपको? बच्चों को माँ बाप से फीस नहीं होता? माँ बाप से फीस नहीं मिलता आपको? समय में नहीं आता है। समय पे नहीं आता, इसलिए आप काम करवाते? नहीं नहीं, उसके लिए नहीं करवा। नियमानुसार शौचालय होना चाहिए और जो मान्यताएं दी जाती है वो BRCC के निरीक्षण और उसके प्रतिवेदन के आधार पे मान्यताएं दी जाती हैं। और ये पूर्व से मान्यता प्राप्त विद्यालय है, यदि आपने संज्ञान में लाया नहीं है तो इसके लिए हमने नोटिस अभी जो है जारी करवा दी है आपके संज्ञान में लाने के तत्काल।